मुर्दाबाद 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 रोकिया गया है किसानों वालों जिहड़ा तुसीं देख सकदे हो उसकी नंबर प्लेट है जिहड़ी उहनूं पट्टिया गया किसानों वालों कह कह आईया तिया दिल्ली कई कंगना तै साडे कीर्त पते टप्पणा असीं तैनूं टंगणा सानूं तीए दे ने शिकार मिल गया तीए दे ने परसों शाम नूं आईया सी अज सानूं शिकार मिल गया नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हिमाचल से मुंबई जा रही फिल्म अदाकार कंगना रनौत के काफिले को आज बुंगा साहिब के निकट किसानों ने घेर कर जमकर नारेबाजी की। किसान कंगना रनौत से इसलिए खफा थे कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन से लेकर सिख समुदाय के खिलाफ भी कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिससे किसान व सिख समुदायों में काफी गहरा रोष पाया जा रहा था। इस मौके पर भारी संख्या में उपस्थित किसान व महिलाओं ने कंगना रनौत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शनकारी किसान कंगना रनौत से माफी मांगने पर अड़े हुए थे। इस मौके पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। एक बार फिर बता देता हूं कि हिमाचल से मुंबई जा रही फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के काफिले को आज बुंगा साहिब में किसानों ने घेर कर जमकर नारेबाजी की। किसान कंगना रनौत से इसलिए खफा थे कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन से लेकर सिख समुदाय के खिलाफ भी काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिससे किसान व सिख समुदाय में काफी गहरा रोष पाया जा रहा था। इस मौके पर भारी संख्या में उपस्थित किसान व महिलाओं ने कंगना रनौत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शनकारी किसान और महिलाएं कंगना रनौत से माफी मांगने पर अड़े रहे। इस मौके पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। आप भी देखें कैसे हालात थे जब कंगना रनौत हिमाचल से चंडीगढ़ जा रही थी और बुंगा साहब में किसानों ने कैसे रोक कर उसके खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर क्या कहा किसानों ने, जे भी सुन लें।
अज कीरतपुर साहब बूंगा साहब विखे कंगना नरोत जी घेर ली गई है क्योंकि इन्हें किसानों पिछले एक साल तो मोदी की चमचागिरी करन दे चक्कर च बड़ा माड़ा चंगा बोलिया साडिया बीबिया 100-100 रुपए वाली दसिया जबकि हजार रुपए लैके ये खुद फिल्मों अद्धे कपड़े वागे नचती है पर असी नारी की इज्जत करते हैं अपने शब्दों के कंट्रोल रखते हैं। सो जिस दिन दिल्ली जिहड़ा कैंसल होया बिल उस दिन भी मोदी साहब ने कैंसल करते कहती भी जेडे मच्छर है जो अंदोलनकारी है वो जित नहीं सकते बड़ी माड़ी गल है वो जित गए जे मतलब है ना उस दिन भी किसानों माड़ा गया। सो वो विरोध उस दिन खास उन्होंने गल दसद उदन दिल्ली नारे लगते सी भी कंगना तैं रोपड़ो लंघना तैनू कीरतपुर टंगना ना बोल माड़ा। सो कीरतपुर अच्छ घेर ली गई है बीबिया द्वारा भैन द्वारा ये तो माफ़ी मंगा के इनू सॉरी कहा के ये की माफ़ी मंगे अपा इनू जान देवे और सा कोई नहीं बाबा नानका साडा शिकार निकलना जावे अज साडा शिकार मिल गया सानू हुण असी जद ताईं माफी नहीं मंगदी असी नहीं जान देवांगे जद ताईं साडा असी भी बीबियां उदां दी आईआं ऐ ओह नचदी टपदी गाने गाँदी असी गाने तो नहीं गाँदे असी गाने नहीं गाँदे वो साडे विच आ जावे असी उहदे गाने सुन लईए सानू गाने सुना जावा 100 रुपए नूं धरले पर बैठिया एक बार असी नूं 500 देवांगे असी नूं 500 देवांगे बाहर निकल के दा दवा जे बेदी दी है तो बाहर निकल जावा एक बार असी अपने खेतां विच ते दिहाड़ी लवा दी असी 500 रुपया दिनिया कंगणा असी अजे टप्पल नहीं देनी जा तक साडे घर दी नहीं मानदी टप्पल नहीं देनी असी माफी मांगणा वा। एक बार फिर बता दूं कि हिमाचल से मुंबई जा रही फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के काफिले को आज बूंगा साहब में किसानों ने घेर कर जमकर नारेबाजी की है। किसान कंगना रनौत से इसलिए खफा थे कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन से लेकर सिख समुदाय के खिलाफ भी काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था जिससे किसान और सिख समुदायों में काफी गहरा रोष पाया जा रहा था। इस मौके पर भारी संख्या में उपस्थित किसान व महिलाएं कंगना रनौत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उससे माफी की मांग पर अड़े रहे। इस मौके पर किसी भी तरह की प्रिय घटना से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। काफी देर गाड़ी में बैठी रही कंगना रनौत ने आखिर माफी मांगना मुनासिब समझा और गाड़ी से निकलकर मौके पर उपस्थित महिलाओं से गले मिलकर माफी मांगी और उसके उपरांत ही कंगना का काफिला चंडीगढ़ की ओर रवाना हुआ। आप भी देखें कैसे हालात थे जब कंगना रनौत को बूंगा साहब के निकट घेरा गया और गाड़ी से निकलकर कैसे महिलाओं के गले लगकर माफी मांगी तब उसे जाकर आगे बढ़ने दिया गया। आप भी देखें ये तस्वीरें। Thank you.
बड़ी हलचल के लिए बुंगा साहब से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।